अच्छा ये निकल रहा हुआ है। अटैच कैसे होता है ये? तो इसमें ढीला है, कुछ टूटा है उसका। अच्छा उतना ही है क्या? ठीक है चलो, काम चला हो जाए। ओके ठीक है। और लास्टली ऑफ स्लोप एम, ऑफ स्लोप एम, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, अब इसको दोनों तरीके, एक तो हमने ड्राइव कर ली ऑलरेडी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और कॉट, उसको सॉल्व करके d जीरो किया, ये आ गया। और कैसे करते थे सॉल्व? एक मिनट, ये अभिषेक बताना और कैसे आता है ये क्वेश्चन? एक और तरीका है ना, क्या है? क्या एमएक्स प्लस, अरे भैया तो वो तो हमने ऑलरेडी बोल दिया ना, उसके अलावा क्या तरीका है ये इक्वेशन ऑब्टेन करने का? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक और किस तरीके से आएगी? वो तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से तो आया ही, लिखा ही है मैंने। कैसे करते थे कोशिश? खड़े नहीं हो ना, बताना है बस, नहीं बता। हाँ परफेक्ट, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखो, कंपेयर गेट द वैल्यू ऑफ m इन टर्म्स ऑफ थीटा और फिर एलिमिनेट कर दो थीटा को। तो इसको कैसे लिखेंगे? y tan थीटा अपॉन b, ये उस साइड ले जाता हूँ, इज इक्वल टू x sec थीटा अपॉन a माइनस वन। अब उसको ले गया y इज इक्वल टू b बाय a x और sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस बी अपॉन टेन थीटा, बस एलिमिनेट, दिस इज माय एम यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको लिख लेना साइन सेक को वन अपॉन कॉस साइन साइन अपॉन कॉस, तो ओवरऑल वन अपॉन कॉस बनेगा, मतलब कोसेक बनेगा, सेक सेक कोसेक थीटा, एम इज इक्वल टू बी बाय ए कोसेक थीटा, तो मतलब कोसेक थीटा ए एम बाय बी इज कोसेक थीटा, इससे ट्रायंगल बनाया, कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ए एम, ये हो गया बी, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इधर से टेन थीटा हटा दिया। कितनी बार हुआ है कुछ ये क्लास में, कितनी बार हुआ है, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतनी बार डिस्कस हो चुका है ये, फिर भी नहीं आता हमें। अरे ऐसा चेहरा बनाने से क्या हो जाता है, तुम सोचो चेहरा बना लो सर, तुम्हें पता है अभी तक मैथ्स जिस हिसाब से एनालिसिस मेरा है ना, तुम्हें 10% मैथ्स भी नहीं आता जितना मैंने पढ़ाया उसका, 10% ही बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10%। अगर मैं तुमसे 10% क्वेश्चन पूछूंगा ना थियरी से रिलेटेड, थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन अलग हो, थियरी मैंने 10% तुम सही नहीं बता पाओगे। 10 क्वेश्चन पूछूंगा उसमें से 10% मतलब 10:1 का रेशियो रहेगा, 10 में से गलती से एक क्वेश्चन बता दिया तो बता दिया। एंड इफ यू आर थिंकिंग फॉर एडवांस, फिर एडवांस और इसमें आज के नहीं आए थे, आज बोल रहे थे ना, आज तो आए नहीं तुम, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा ना, अभी खत्म होगा फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर उस बार अगला होगा, कैसे मैनेज करोगे पुराने चैप्टर्स? 8 months हो चुके ना अपने को, देखा जाए तो एक ही साल है तुम्हारे पास अभी, देखा जाए तो एग्जैक्ट
उसके बाद लास्ट में तो बोर्ड भी होता है ना थोड़ा बहुत, 15 एक दिन 11th के एग्जाम में जाएंगे वो हटा दो, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर बचा है, पोर्शन हमारा 2/3 बचा है, 2/3 से ज़्यादा एक्चुअली, 3/5 ज़्यादा, 2/3 ज़्यादा हुआ, 3/5 तो मतलब 60% हुआ ना, और वो 66%, 2/3 से ज़्यादा परसेंट पोर्शन बचा हुआ है अभी हमारा। नॉट ओनली मैथ्स, सभी सब्जेक्ट में वही हालत है, अभी तक बहुत स्लो गए ना टीचर्स लॉकडाउन के चलते, क्योंकि तुम्हारा जो एडवांस के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहा है उसका कॉम्पिटिशन किससे है, जो ऑलरेडी 8th 9th में स्टार्ट कर चुके हैं ना, और ये फैक्ट, ये गलत बात नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बहुत हटके स्टूडेंट होते हैं ना जो, मतलब एकदम कुछ अलग टाइप के होते हैं बंदे, जैसे मैंने रोड ट्रिप में अभी तक एक दो बच्चों को देखा है, उनको छोड़ के बाकी तो सब मुझे एवरेज मतलब नॉर्मल ही लगे, वो एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आइडियल होते हैं, मतलब जो 11th 12th में स्टार्ट करते हैं और उनका निकल भी जाता है एडवांस, निकलना मतलब अच्छी रैंक से निकलना, एक निकलना होता है कि कट ऑफ पार हो गया, और एक निकलना होता है मतलब IIT बॉम्बे मिलना, IIT दिल्ली मिलना, उसको प्रॉपर निकलना बोलेंगे, तो वो निकालने के लिए तो फिर 9th 10th मतलब 8th 9th से लगता है मेहनत, और अगर जो 9th 11th 12th से कर रहा है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो 8th 7th 8th से कर रहा है वो एक अपना कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है, उसका क्या होता है, तुमने इंटरव्यू नहीं सुना होगा इस बार जो टॉपर का था, हर बार का उनका 11th में पूरा पोर्शन खत्म हो जाता है सारा, 12th केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैंने भेजा था तुम्हें याद है वो पूरा सुना था, केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, उन्हें थियरी से कोई मतलब नहीं है, 10th तक ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं कुछ कुछ टॉपिक, मतलब 11th में उनका पूरा खत्म हो जाता है, उन लोगों के साथ कॉम्पिटिशन होता है स्पेशली। रोटरी जैसे फाउंडेशन नहीं होता, मतलब प्रॉपर फाउंडेशन होता है, या तो फाउंडेशन लेने का देते थे, ठीक है ना, अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है ज़्यादा नहीं बोल सकता, ठीक है ना। ये अच्छा, देखो ये है कि कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है डेफिनेटली, बट उसका तुमने फ़ायदा नहीं उठाया, केवल एक लड़की है जिसका मेरे को लग रहा है जो अभी तक ट्रैक पे है, बाकी अभी तक मुझे किसी का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, केवल वैष्णवी को छोड़ के, वो भी अभी आई है, पहले बीच में ट्रैक भटक गई थी, अब देखते कब तक सही रहता है, बाकी तो मुझे अभी तक कोई नहीं लग रहा जो एक मैं लग मेरे को लगे कि हाँ ये एडवांस निकाल सकता है, अभी तक एक भी बंदा नहीं है इस क्लास में, बाकी तो छोड़ ही दो, ओनली वन स्टूडेंट, बाकी का मेंस का है, मेंस में ही 150 क्रॉस करने में हालत ख़राब हो जाएगी, तो बाकी जो बाहर के बच्चे आए उनका धीरे धीरे पता चलेगा लेवल, अपने स्कूल में तो सब लोग जिस जिस एक्सपेक्टेशन थी सब उम्मीद से पानी, एक इससे थी ये भी उम्मीद पानी फैल रही हाथ, एक भी डाउट एक भी क्लियर नहीं करती जो मैं पूछता हूँ, याद नहीं होती चीज़ें, मतलब तुम्हें आहिल का देखता हूँ, मतलब पहले से काफ़ी डिग्रेडेशन हो गया है, पहले से जो 9th 10th में तुम्हारा था IQ मतलब बहुत अच्छे सोच लेते थे तुम, अभी वो कहाँ सोचते हो उतना, पाटिल तुम तो केवल उसमें ही रहते हो, मतलब इतना जितना स्कूल में पढ़ लिया उतना ठीक है, घर जाके नहीं पढ़ना होता है तुम्हें, ऐसा मेरा ओपिनियन है तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा दिमाग ठीक है लेकिन तुम थोड़ा पढ़ाई बिल्कुल मेहनत बिल्कुल नहीं करते हो तुम। हाँ पार्थ का मुझे इम्प्रूवमेंट लगा, पार्थ ही हो ना भाई, तो बाकी जो बाहर के बच्चे हैं उनके ऊपर कुछ टाइम बाद कमेंट कर पाऊंगा मैं, जैसे अभी तक पारस का ठीक था, ये तुम उसमें तो व्हाट्सएप पे तो थोड़े हेल्थ मतलब लगते हो थोड़े, इधर तो बहुत हाइट वगैरह अच्छा करो, तुम्हारा फिजिक्स के भी पॉइंट रिव्यू तो अच्छे थे विनोद सर के मामले में, ठीक है ना, अच्छे करो मेहनत ऐसे। हाँ तो अपन कहाँ थे, अब ये हो गया, अब वो लिख लेते हैं अपन, क्या क्या लिखे हम, हाँ डायरेक्ट सर्कल तो लिखेंगे लेकिन वो स्टार्ट कैसे करते हैं वो टॉपिक, हम कैसे स्टार्ट करते हैं कि जो ये वाली क्वेश्चन है एम स्लोप वाली, लेट दिस पासेस थ्रू एच कॉमा के, ठीक है लेट दिस पासेस थ्रू एच कॉमा के, इसमें एच कॉमा के रखा, इसको इधर लेके आया स्क्वायर किया, यू विल गेट एम में क्वाड्रेटिक, अब एच कॉमा के एक बाहर कोई पॉइंट है, एम में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अब वी नो कि दोस टू टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दोस of slopes of this equation is -1, from there you will get
x square plus y square equals to a square minus b square, because LHS में a square plus b square था. करो, that is your task. क्या लिखोगे? Let ये article खत्म, मतलब equation tangent हो गए. अब जो slope वाली है, let this passes through h comma k. फिर mh को इस side लेके आओ, square करो. m में quadratic आएगा, उसका product of root minus one. उससे हमें किस point के locus मिलेंगे? वो point जहाँ से drawn tangents are mutually perpendicular. वो आएगा कहाँ? वो सारे points आएंगे direct circle of hyperbola पे. तुम अपना करो, मैं बोर्ड पे कर देता हूँ, बाकी जिसको समझ आ वो खुद से करे, ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू जस्ट लुकिंग इनटू द बोर्ड. लेट्स से मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ. लेट इक्वेशन वन पासिस थ्रू एच कॉमा के, तो मैंने लिख लिया के इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फिर एम एच को इस साइड लेके आए, के माइनस एम एच स्क्वायर किया दोनों साइड, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया ये के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस टू के एच इंटू एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब एम स्क्वायर का कोफिशियंट एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू के एच इंटू एम इज इक्वल, अच्छा, प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. इसके रूट्स आर एम वन एम टू. नाउ द टेंजेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस वन. तो सी बाय ए, दिस इज कॉन्स्टेंट, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज सी अपॉन ए, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन. एम वन एम टू, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज एच को एक्स से, के को वाई से, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट सर्कल ऑफ हाइपरबोला. ए अगर मतलब ये पक्का है कि ए को बी से बड़ा होना पड़ेगा तभी. हाँ, इसमें कंडीशन आ गई कि ए हैज टू बी ग्रेटर देन बी, देन ओनली वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. एंड इफ ए इज इक्वल टू बी, देन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज सेटिस्फाइड ओनली बाय ओरिजिन. दैट मीन्स ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द, नहीं नहीं एक्चुअली वो केस क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल हो जाएगा. तो हमें यही लिखना पड़ेगा, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, देन ओनली वी कैन ड्रॉ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, अदरवाइज नॉट. कल वो क्वेश्चन पूछना भूल गई शायद, सीपी एंड सीक्यू को डायमीटर मानते हो सर्कल इंटरसेक्ट सेट पॉइंट आर, देन फाइंड लोकस ऑफ आर, कल हुआ था अपना डिस्कस क्वेश्चन, इसलिए वो तो क्वेश्चन पहले सुन लेना चाहिए. हाँ हाँ नहीं, एक क्वेश्चन था सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स को डायमीटर मानते हो सर्कल खींचे, सीपी और सीक्यू को, सीपी एंड सीक्यू आर सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर्स, वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट आर, देन वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ आर. बीपी क्या था ना, परसों मैंने एक मेथड बताया था, मैंने बोला था पहले S1 माइनस S2 करो, पहले डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखो, फिर S1 माइनस S2 से क्वाड आएगी, उस क्वाड को एक सर्कल के साथ सॉल्व करो. हाँ हाँ, कल तुम बोली नहीं थी, मुझे याद नहीं आया, अभी याद आया. हुआ ये चलो, अब नेक्स्ट इसमें हम नॉर्मल लिख लेते हैं, लिखो नॉर्मल. अब ये खुद से आना चाहिए, अब नॉर्मल कैसे स्टार्ट करें, पहले टेंजेंट का स्लोप x1 y1 पे, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप, फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1, नॉर्मल की इक्वेशन एट x1 y1, टॉपिक डालो नॉर्मल, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 निकालो, टॉपिक डालो नॉर्मल, उसमें पहला पॉइंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
और एट पॉइंट एक्स वन वाई वन, मैं उस क्लास से आ रहा हूँ, करके रखो। यार सब कुछ मैंने प्रोसीजर बता दिया।
देन ऑल्सो गलत हो रहा है. मैंने बोला टेंजेंट की इक्वेशन कहती है एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन. दिस इज टेंजेंट. इसका स्लोप एम वन माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर. दिस विल बी माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स वन अपॉन वाई वन. तो एम ऑफ नॉर्मल क्या होगा माइनस ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन. अब स्लोप पता है पॉइंट पता है एक्स वन वाई वन बस वाई माइनस वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन. दिस इज स्लोप टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन. अब बस टर्म्स को रीअरेंज करो यू विल गेट क्या मिलेगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा इधर प्लस बी स्क्वायर y अपॉन y1 वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इलिप्स में होता था माइनस बी स्क्वायर इधर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन ठीक है ना. अब सेकेंड इसमें क्या एट पॉइंट थीटा तो थीटा के एक्स वन की जगह ए sec थीटा वाई वन की जगह बी टेन थीटा. पुट एक्स वन इक्वल्स टू ए sec थीटा एंड वाई वन इक्वल्स टू बी टेन थीटा टू गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट थीटा. एंड लास्टली ऑफ स्लोप एम वो निकालो. अब इसके लिए वो कंपैरिजन वाला मेथड ही करना पड़ेगा. जो भी तुम्हारे पैरामीटर वाली इक्वेशन आएगी इसको कंपेयर करो एम एक्स प्लस सी से एंड एलिमिनेट थीटा इन टर्म्स ऑफ एम. करो अभी. एंड वो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अगर एलिप्स की याद है तो उसमें बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस करना है बस. कौन कौन को आती है वो आती है पक्का बोलो. ठीक है तो अब कैसे आई तो याद करी ये चीज़ें लेकिन याद लॉजिक नहीं पता. अब हाँ अभी अभी मैंने तुम्हें बताया भी वैसे मैंने अभी शॉर्ट में. हाँ सब लोग निकालो वो बता रही है बात बाकी सब लोग. हाँ बोलो हाँ फिर इतना ही सुन रहे. हाँ चलो करो मैं उधर ही देख रहा हूँ तुम्हारे खा रहा हूँ ठीक है. अभी करो इसको करो पीछे नहीं पलटना है पेजेस जैसा तुमने बोला वैसा करो इसके लिए. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ऑफ स्लोप एम थर्ड विल सेकेंड हो गया हमारा एट पॉइंट थीटा और थर्ड इज ऑफ स्लोप एम. जो इक्वेशन आई हमारी थीटा वाली उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखो एलिमिनेट थीटा इन टर्म्स ऑफ m वो ट्राइंगल बना के. पारस तुमने किए 15 क्वेश्चन
हो गया। जिसका हो गया वो इसके बाद ये लिख ले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट थीटा वन एंड थीटा टू, जिसका हो गया, और स्टार्ट करते निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट थीटा वन एंड थीटा टू। क्या नाम है पैराबोला में क्या आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट टी वन एंड टी टू? कोई नहीं बोलेगा, कोई से मतलब तुम बोलोगे बस। हाँ बोलो, बैठ के खड़े नहीं होना। तुम ही ने बताया था उस दिन, मुझे याद है शायद। ए टी वन टी टू कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? चलो ये बताओ मुझे कैसे निकालेंगे। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट टी वन एंड टी टू कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड? देर आर टू मेथड्स, बताओ क्या कैसे करेंगे। ये देखो क्या पूछ रहे हैं, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो भैया उसके लिए मुझे टेंजेंट की जरूरत पड़ेगी। कहाँ पे? T1 और T2 पे। तो T1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैराबोला में? पैराबोला नहीं याद है क्या? कोई बात नहीं, चलो इसके लिए निकालो। चलो हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए क्या करोगी? मैंने बोला हाइपरबोला पे दो पॉइंट है, एक थीटा वन और एक थीटा टू, उन दोनों पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? हाँ बस इतना ही है ना, ये तो एक वैसा मेथड हो गया लॉन्ग, मतलब व्हाट इज द शॉर्टर मेथड, ठीक है दैट इज करेक्ट, बट वो बोर्ड वाला हो गया। मतलब थीटा वन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, थीटा टू पे लिखी, दोनों को सॉल्व किया, वो ठीक है। व्हाट इज द बेटर मेथड, मैंने कितनी बहुत बार डिस्कस किया है। डायग्राम बनाओगे तो चीज़ें क्लियर होंगी कि वो बेसिकली जो पॉइंट ऑफ टेंजेंस की ज्वाइन किया है दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तुम कैसे निकाल रही हो स्मार्ट वाले की? हाँ मतलब मान लो तुमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको अल्फा बीटा मान लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ टेंजेंस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ, और हमें थीटा वन और थीटा टू को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड पता ही है। बहुत बढ़िया, टी इज इक्वल टू जीरो। कैसे आया टी इक्वल टू जीरो? इसका प्रूफ नहीं है ना। हाँ मैंने क्या बोला, उसने बोला कोई तो हाइपर बोला, लेट से ये एक ब्रांच ले ली मैंने, इसके दो पॉइंट्स ले लिए, ये लेट से थीटा वन, ये लेट से थीटा टू, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस पॉइंट, लेट से ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मुझे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट थीटा वन एंड थीटा टू। एक तरीका तो क्या है, थीटा वन पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, अभी जो हमने लिखी इक्वेशन एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर में एक्स वन को एक एक ए सेक थीटा डाल के। सिमिलरली थीटा टू पे लिखो टेंजेंट की इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो, गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। बट बेटर मेथड इज, जिसमें कैलकुलेशन कम होगी, इफ यू नो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू, जो कि आज ही की क्लास में पढ़ा हमने कि पी और क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन बेसिकली दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, तो मैंने आर को मान लिया लेट्स अल्फा कॉमा बीटा, तो इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो थीटा वन और थीटा टू को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन, एंड दिस इज ऑल्सो टी इज इक्वल टू जीरो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कॉमा बीटा। तो एक्स अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई बीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, मतलब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, और एक थीटा वन और थीटा टू को जो आज कल था एक्स कॉस थीटा वन, देखना नहीं है बाबा, प्लस की माइनस, हाँ यार एक ही चीज तो बताई है, इंटरचेंज नहीं करना। क्या होगा? हाँ आई को ऑफ, मैं फिर किसके लिए पूछू, आज रेडॉक्स के लिए बता दो है? हाँ बोलो क्या हुआ, माइनस प्लस कन्फ्यूज। इलिप्स के लिए जो था उसका अपोजिट, और इलिप्स का क्या था जो हाइपरबोला का अपोजिट था? ऑब्वियस ही बात है ना,
माइनस होगा पक्का, माइनस इधर होगा बीच में, इधर भी माइनस होगा। अच्छा याद, अच्छा देखो मान लो मुझे नहीं, ये बहुत नॉर्मल कंफ्यूजन है, मुझे भी होता है, बट याद रखने का अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है ना याद करने की कुछ। हाँ माइनस होगा। अच्छा मान लो कभी कंफ्यूज हो जाओ तो कैसे याद रखेंगे? मैंने बताया था, एक चीज बताई थी, बहुत लॉजिकल चीज है। इलिप्स के लिए मैंने बोला, मान लो कभी कंफ्यूजन हो जाएगी, थीटा वन माइनस थीटा टू होता है लेफ्ट साइड पे या थीटा वन प्लस थीटा टू होता है, हाउ टू रिमूव दैट कंफ्यूजन? इट इज, इट कैन हैपन। अभी तो तुम ताजा ताजा पढ़ रहे हो ना, एक साल बाद पूछूंगा सब गायब हो जाएगा। तो ये कुछ बारीकी चीजें अगर पता होगी ना तो इंसान रिकॉल कर सकता है। तो सवा डेढ़ साल बाद देना चाहिए, सवा साल बाद लगभग, सवा साल मान लो लगभग, जब तक तो भूल सकते हैं ना, नहीं भूलेंगे। बोलो, मैंने एक लॉजिक बताया था वीडियो लेक्चर में। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैंने बोला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग लेट्स से थीटा वन इज 30 और थीटा टू इज 60 डिग्री, 30 और 60। अच्छा कॉस के अंदर तो थीटा वन माइनस थीटा टू एंड थीटा टू माइनस थीटा वन, वन एंड द सेम थिंग, मतलब कॉस को तो अंतर पता नहीं चलता, बट साइन कैन मेक द डिफरेंस। मतलब साइन के लिए थीटा वन माइनस थीटा टू इज डिफरेंट देन थीटा टू माइनस थीटा वन। इसका मतलब कहीं भी हम कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, साइन के साथ तो पक्का और पक्का प्लस ही आएगा, माइनस आ ही नहीं सकता। अगर उस पर डिपेंड करने लगा तो फिर मतलब डिपेंड करने लगा तो ये मैटर कर जाएगा कि हम थीटा वन किसको बोल रहे हैं, थीटा टू किसको बोल रहे हैं। बट अगर मान लो मुझे बोला थीटा वन और थीटा टू को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन, तो मैं, मेरी मर्जी में थीटा वन किसको बोल रहा हूँ, 30 वाले को बोल रहा हूँ या 60 वाले को बोल रहा हूँ। दैट मीन्स थीटा, थीटा वन और थीटा टू को इंटरचेंज करूँ तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कब नहीं पड़ेगा, साइन के अंदर प्लस हो या माइनस हो, प्लस। और एलिप्स में क्या होता है, जो साइन में होता है वो कॉस में होता है, ऐसे याद रखने का। पल्ले पड़ गया तो ठीक है, नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, रट जाओ, रटने का है, याद करना है। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो जल्दी, फास्ट हो गया ना ये, क्या लिखो, कंपेयर कर लेना घर पे जाके, ठीक है ना, वैसे ओरली ही बता सकते हो ऑब्जर्वेशन से, देखो जिसका अच्छा है थोड़ा ऑब्जर्वेशन, माइंड में रीड करने की क्षमता है थोड़ी। ऐसा बोल, और पता है ऐसा बोल दो ना तो और इंसान कर भी रहा होता है ना तो वो स्लो हो जाता है। a cos theta by 2 लंगड़ा है क्या वो, एक कोऑर्डिनेट बता, एक और क्या होगा दूसरा, दूसरा माइनस, हाँ क्या माइनस, माइनस माइनस नहीं हो रहा, इधर भी माइनस आ रहा है, इधर ऑलरेडी माइनस, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस कंपेंसेट हो रहा है, देयर इज नो माइनस, जो साइन एक्स का है वही वाई का है। हाँ अपॉन कॉस माइनस आएगा नीचे, प्लस आएगा, हाँ दोनों में ही डिनोमिनेटर में कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाय रहेगा, बट एक के न्यूमिनेटर में कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू रहेगा, दूसरे में साइन रहेगा, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू रहेगा, लेकिन देख लेना कर लेना अपने से, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, एक लेट अ एलिप्स एंड अ हाइपरबोला हैव सेम फोकाई, लेट अ एलिप्स, देखते कौन करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब एवरेज क्वेश्चन है, मेन से ऊपर का है थोड़ा। लेट एन एलिप्स एंड अ हाइपरबोला हैव सेम फोकाई, हैव सेम फोकाई, ब्रैकेट में लिख लो कॉन्फोकल, सी ओ एन एफ ओ सी एन, सेम फोकाई मतलब कॉन्फोकल है, दोनों का फोकस सेम है, ठीक है। And if conjugate axis of hyperbola
कॉन्जुगेट एक्सेस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू ट्रांसवर्स सॉरी इज इक्वल टू माइनर एक्सेस ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू माइनर एक्सेस ऑफ क्या एलिप्स. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ई वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई टू स्क्वायर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ई वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई टू स्क्वायर करो. जितना कम वेरिएबल हो ना उतना कम इंट्रोड्यूस करना चाहिए. वेरिएबल कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम कम करो. वेरिएबल जितना मिनिमम का नहीं है उस हिसाब से वेरिएबल यूज किया करो. Thank you.
Fast. मन तो सुबह वाले का आंसर था, मतलब पहले लेक्चर वाले वैसे ही आ रहा है, नहीं गलत आ रहा है फिर तो। 2 3 4 1 2 3 4 टॉप ऑफ पाटिल। ईश्वरी हो गया, नहीं हुआ, देखें क्या करोगे, और टाइम चाहिए। आ गया, विजुलाइज हो रहा है, मुझे विजुलाइज करवाओ। नहीं मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, मुझे विजुलाइज करवाना थोड़ा। कैसे विजुलाइजेशन से आ रहा है? कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया है। हाँ कांस्टेंट है, अफकोर्स एक कांस्टेंट बताना। चलो आधा घंटा अपन डाउट नहीं रखते, मुझे लाते ही बोल देता हूँ, कल पढ़ेंगे।